सर्वोदय नमस्कार बच्चों, मैं उमेश चंद्र शुक्ल। स्पर्श भाग एक, गद्य खंड, पाठ चार, तुम कब जाओगे अतिथि, शरद जोशी रचित, कहानी अध्यापन कराने जा रहा हूँ। बच्चों, सबसे पहले हम लेखक का परिचय जान लेते हैं। शरद जोशी का जन्म 21 मई 1931 में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ था। प्रारंभिक समय में सरकारी नौकरी में रहे, नौकरी छोड़कर लेखन से पूरी तरह जुड़ गए। हिंदी साहित्य में व्यंग्य लेखक के रूप में स्थापित हुए। दूरदर्शन पर प्रसारित कुछ धारावाहिकों की हास्य व्यंग्यपूर्ण पटकथाएँ और संवाद लेखन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार, इल्लियां, तिलस्म रहा, किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन, अंधों का हाथ कहाँ थी, एक था गधा, व्यंग नाटक मैं केवल मैं, उर्फ कमल मुख बी ए, पाठ का सार। सुप्रसिद्ध लेखक शरद जोशी व्यंग्यकार के रूप में अधिक जाने जाते हैं। इस लेख में उन्होंने ऐसे लोग पर व्यंग किया है जो दूसरे के घर मेहमान बनकर लंबे समय तक टिक जाते हैं। इससे मेजबान को बहुत कष्ट होता है। मेजबान कुछ दिनों तक क्षमता से अधिक उनका सत्कार करता है, किंतु अधिक दिन हो जाने पर ऐसा करना सामर्थ्य से बाहर हो जाता है। ऐसा ही एक मेहमान लेखक के घर पर आ गया। पहले दिन मेहमान ने के लिए बेहतरीन नाश्ता और डिनर प्रस्तुत किया गया। लेखक को आशा थी कि वह शीघ्र ही अपने घर चला जाएगा, लेकिन वह अनावश्यक रूप से वहां रुक गया। दो तीन दिन बाद बगैर लेखक की सहमति के अपने कपड़े लॉन्ड्री में धुलने के लिए दे दिया। लेखक के मन में यह आशा जगी कि वह धुले कपड़े आने के साथ ही वापस लौट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेहमान के प्रति घर में सारा आकर्षण खत्म हो चुका था। बातचीत के सारे विषय निरस हो चुके थे। वह मेहमान एक बोझ के समान लग रहा था। उसे किसी बात पर चर्चा करने का मन ही नहीं हो रहा था। वह घर पर एक बोझ लग रहा था, लेकिन मेहमान को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वह निश्चिंत होकर वहाँ रह रहा था। इधर लेखक का पूरा परिवार परेशान था। लेखक ने इसे व्यंग्यात्मक शैली में रोचक शब्दों में व्यक्त किया है। मेहमान के रहते इतना दिन हो गया कि बात नाश्ता से पहुँचते खिचड़ी तक आ गई। रात के खाने खिचड़ी बनाने की योजना बनने लगी। परिवार के सारे सदस्यों की इस बात पर सहमति थी। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी। इस दौरान लेखक के मन में बार बार यह बात उभरी कि आखिर यह मेहमान जाएगा कब। इसके इतने दिन बेवजह रुकने से लेखक उस मेहमान के साथ अपने संबंधों की समीक्षा करने को बाध्य हो गया। लेखक लिखता है कि अगर मेहमान को मेरे घर अच्छा लग रहा है तो मैं किसी दूसरे के घर चला जाता हूँ, लेकिन यह संभव नहीं है। लेखक के मन में तरह तरह के विचार आते हैं, जैसे मेहमान से सीधे कह दिया जाए कि वह बहुत हुआ अब यहाँ से चले जाएं, या सीधे गेट आउट कह दिया जाए। लेखक के बटुआ जवाब दे रहा था। उनके अनुसार पांचवा दिन उनके सहनशीलता का अंतिम दिन होगा। वह लिखता है कि अतिथि देवता होता है, किंतु देवता मनुष्य के साथ अधिक दिन तक नहीं रह सकता। देवता को दर्शन देकर लौट जाना चाहिए। तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। मनुष्य अपनी सीमाएं तोड़े उसके पहले मेहमान रूपी देवता को लौट जाना चाहिए। लेखक का अंतिम वाक्य है, उफ तुम कब जाओगे अतिथि। इसी में इस कहानी की सार्थकता है। धन्यवाद बच्चों, आपको इस कहानी का प्रश्नोत्तर भेजा गया है। आप अपने अभ्यास पुस्तिका में उतार लेंगे और प्रश्नोत्तर याद करेंगे। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें। धन्यवाद।